क्वेश्चन में कह रहे हैं अ क्यूबिकल वॉल्यूम इज बाउंडेड बाय द सरफेस x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू ए, y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू ए, और z इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू ए. मतलब एक क्यूबिकल वॉल्यूम है जो कि इन कोऑर्डिनेट्स के साथ बाउंडेड है. आगे कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप. मतलब इस रीजन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस इक्वेशन से दी जाती है, ठीक ना, और वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स पे डिपेंड कर रही है. ठीक, कह रहा है वेयर ई ई नॉट जो है वो है 4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम मीटर. इफ ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर द चार्ज कंटेंड इन द क्यूबिकल वॉल्यूम इज क्यू इंटू 10 की पावर माइनस 14 कूलम. द वैल्यू ऑफ क्यू इज, मतलब इसके अंदर, मतलब हमें क्या बताना है, द चार्ज कंटेंड इन द क्यूबिकल वॉल्यूम, इस क्यूबिकल वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है, और वो चार्ज कितना दे रखा है, क्यू इंटू 10 की पावर माइनस 14 कूलम. तो क्यू की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है. ठीक, और यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू उसमें दे रखा है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 12. ठीक ना, इससे और ज्यादा इजी हो जाएगा. अब सीधी सी बात है, कोई अगर मतलब फाई टोटल इक्वल टू क्या होता है, फाई टोटल इक्वल टू होता है चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन. तो हमें यही चार्ज इनक्लोज्ड निकालना है, और चार्ज इंक्लोज्ड निकालने के लिए हमें टोटल फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक ना, तो हमें जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे इससे हम पहले वो क्यूबिकल वॉल्यूम को हम बना लेते हैं. ठीक ना, उस क्यूब को बना लेते हैं पहले. तो एक्स वाई जेड, ठीक, कोऑर्डिनेट देखो, एक कोऑर्डिनेट यहां पे का जीरो 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 ऐसा ही है कोऑर्डिनेट. ठीक, एक कोऑर्डिनेट एक्स पे है, ठीक ना, ए डिस्टेंस पे, ये हो जाएगा एक कमा जीरो कमा जीरो. एक कोऑर्डिनेट यहाँ हो जाएगा वाई पे, वाई इक्वल टू ए भी है ना, तो ये हो जाएगा जीरो कमा एक कमा जीरो. और एक कोऑर्डिनेट जेड पे भी है तो वो हो जाएगा जीरो कमा जीरो कमा ए. अब इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करके क्यूब बना लो. ये क्यूब हो गया. अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में है ना, वो कितना है ई नॉट एक्स आई कैप, मतलब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें जिस फेस की फ्लक्स चाहिए तो वहां पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो. ठीक ना, अब देखो ये जो फेसेस है, एक ये नीचे वाला, ऊपर वाला, और वो पीछे वाला, मतलब वो चारों फेस, ये मतलब ये दोनों और ये नीचे वाला, इन चारों फेस से तो कोई फ्लक्स निकलेगा नहीं. तो अब फ्लक्स किससे निकलेगा, तो एक इस वाली फेस से और एक इस वाली फेस से जो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है. ठीक ना, और एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, तो ये वाला फेस जो है क्या वो जीरो पे लाई कर रहा है, ओरिजिन के पास ही है ना ये प्लेन. तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, जीरो. तो उस वाली फेस से कोई फ्लक्स पास नहीं कर रही है, तो सिर्फ इसी वाली फेस से कर रही है. तो कैलकुलेट कर लो इस वाली फेस का. ठीक ना, इसका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, तो थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो. अब इस वाली फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो निकाल लेते हैं. वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 4 इंटू 10 की पावर 4, या चलो ई नॉट की वैल्यू बाद में रखेंगे, एक्स की जगह क्या रख दो ए, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर कूलम. ठीक ना, यही है ना, कूलम मीटर है, मीटर कूलम. ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए इस वाली फेस पे. एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो इससे निकलने वाली फ्लक्स कितनी, फाइ इक्वल टू ई डॉट ए. तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट ए डॉट ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ई नॉट ए क्यूब. ये हमारा टोटल फ्लक्स हो गया. तो फाइ इक्वल टू ई नॉट कितना है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस, माइनस नहीं, प्लस का 4,
ए कितना है 2 × 10⁻⁻ का 2 का क्यूब, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 चौक 32, 32 × 10⁻⁶, ये हो जाएगा -6, तो ये -2 बचेगा, ये हमारा फ्लक्स आ गया 32 × 10⁻²। अब चार्ज इनक्लोज निकालने का क्या तरीका है, क्यू इनक्लोज इक्वल टू 5 × ε₀। तो 5 की वैल्यू रख दो, ε₀ की वैल्यू हमें दे ही रखा है, ये रख दो, तो चार्ज इनक्लोज कितना आ जाएगा 32 × 10⁻²·9 × 10⁻²½, 32 में 288, 288 × 10⁻¹⁴ कूलम। तो इसका कोएफिशिएंट यही क्यू की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू कितनी है 288। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना, जो भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उससे जो क्यूबिक क्यूब बन रहा है उसे ड्रॉ कर लो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क कर दो और सारे फेसेस का फ्लक्स निकालोगे तो आपको बस इसी फेस से फ्लक्स मिलेगा, ठीक ना। और फिर उसका फ्लक्स कैलकुलेट कर लो, और फ्लक्स मिलते ही चार्ज इनक्लोज्ड का फॉर्मूला होता है φ टोटल × ε₀। तो क्यू इन इक्वल टू कितना आ गया 288 × 10⁻¹⁴, तो हमें यही वैल्यू देना था 28, ओ सॉरी 288, क्लियर।